गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र मीन्स पेडागॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हम जानेंगे विषय वस्तु का चयन। पाठ्यक्रम के निर्माण सोपान हम पढ़ रहे हैं कि एक करिकुलम पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है तो उनमें किन स्टेप्स का ध्यान रखना है। तो इसमें हमने सबसे पहले लक्ष्य उद्देश्य को हमने समझ लिया है, अधिगम अनुभव का चयन हमने समझ लिया, यानी दो स्टेप जान लिए। अब तीसरा स्टेप है हमारा विषय वस्तु का चयन, ठीक है, कि हम जब कंटेंट को चूज करते हैं तो कंटेंट चूज करते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना है। विषय वस्तु, विषय वस्तु वह है जो हमको हमारे व्यावहारिक जीवन और शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायता करती है। यानी विषय वस्तु का चयन करते समय हमको बहुत ही सावधानी और सतर्कता का ध्यान रखना है, क्योंकि विषय वस्तु के बेस पर ही जो बच्चा सीखता है वो समझता है, उसको अपने जीवन में आत्मसात या उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करता है। इसलिए हमको विषय वस्तु का ध्यान बहुत ही समझदारी के साथ करना चाहिए। तो विषय वस्तु का चयन करते समय सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है छात्रों की योग्यता एवं स्तर, छात्रों की योग्यता एवं स्तर, बच्चों की योग्यता और स्तर को ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो बच्चों की योग्यता को समझेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम एक आदर्श और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण करने चाहते हैं। और लेवल, यानी किस लेवल का बच्चा है, प्राइमरी लेवल का है, मिडिल लेवल का है, हायर सेकेंडरी लेवल का है, फिर प्राइमरी लेवल में कौन से स्टेज में है, तो ये सारे लेवल को समझते और ध्यान रखते हुए हम एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। तो बच्चों की मानसिकता, उनकी योग्यता, उनके स्तर, इन सब को ध्यान रखकर एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। सेकेंड है समाज की पाठ्यक्रम, समाज की आकांक्षाओं को खरा उतरना चाहिए या समाज की आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि बालक एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो पाठ्यक्रम ऐसा नहीं हो जो उसको समाज से रिमूव कर रहा हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी आजादी से पूर्व की जो शिक्षा थी, यानी अंग्रेजी की शिक्षा थी, वो यही शिक्षा थी जो भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज से दूर ले जाने वाली। तो लेकिन पाठ्यक्रम ऐसा ना हो तो ये समाज की आकांक्षाओं को खरा उतरे, समाज पे खरा उतरे, यानी परिवेश परिस्थिति को समझ सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए और सभ्यता और संस्कृति बनी हुई रहे, ऐसे पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इस तरह से समाज की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरा है अभिभावकों की आकांक्षा, पाठ्यक्रम अभिभावकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बालक जब पढ़ रहा है तो वो अपने परिवार के मतलब आकांक्षाओं को खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। अपने माता पिता जब बालकों को विद्यालय भेजते हैं तो इस उनके लिए उद्देश्य रहता है कि बच्चा जीवन में पढ़ लेकर कुछ बने और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। इसलिए पाठ्यक्रम हमेशा परिवार की आकांक्षाओं को खरा उतरना चाहिए। माता पिता जो चाहते हैं उनकी उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए, वो पढ़ लेकर कुछ बने, यानी कि जीवन में कुछ पाने या हासिल करने के लिए पाठ्यक्रम मददगार साबित होना चाहिए। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम अभिभावकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय आकांक्षा, राष्ट्र, नेशनल, ठीक है ना, नेशनल नीड, राष्ट्रीय आकांक्षा, राष्ट्र की प्रगति और विकास में आने वाली पीढ़ी, यानी कि जो भविष्य, जो वर्तमान है, ठीक है, वो भविष्यमय होगा, ठीक है ना, वो देश के कहीं ना कहीं अपने विकास में अपना योगदान देगा। तो जो वर्तमान है वो इस तरीके से निर्मित करना, उसको इस तरीके से बनाना है जो भविष्य में राष्ट्र के विकास में अपना एक बेहतर तौर पर अपना रोल प्ले कर सके। इसीलिए राष्ट्र की आकांक्षाओं पर खरा उतरे ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र के बनाए रखने के लिए जो भी बातें हैं, जो भी नॉलेज है, वो पाठ्यक्रम में समाहित होगी। बच्चे अपने संविधान और संविधान के अकॉर्डिंग जो भी ये पहलू, उन सबका अध्ययन करेगा और ये समझेगा कि उसका अपने राष्ट्रपति क्या कर्तव्य है, उसकी क्या ड्यूटी रहेगी, इन सब बातों को समझे। तो राष्ट्र के विकास, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है वो आने वाला फ्यूचर है। अगला है
सांस्कृतिक, कोई भी पाठ्यक्रम किसी भी इंसान को अपनी संस्कृति से विमुख नहीं कर सकता। जैसे कि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति थी, उनका मूलभूत उद्देश्य यही था, दो उद्देश्य थे, एक तो पढ़े लिखे बाबू तैयार करना, दूसरा भारतीयों को उनकी संस्कृति से विमुख करना, ये दो उद्देश्य की पूर्ति ये उनका पाठ्यक्रम था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, शिक्षा पर काम होना प्रारंभ किया, शिक्षा पर प्रचार प्रसार हुआ, तो सबसे बड़ा ये उद्देश्य था कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बनाए रखे, यानी संस्कृति को बनाए रखे। हम कितने ही पढ़ लिख ले, अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाए, एक आदर्श नागरिक बनाए, लेकिन कभी भी अपनी संस्कृति से विमुख नहीं होंगे और संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखना, अपनी ठीक है अपने कल्चर को बनाए रखना। तो पाठ्यक्रम हमेशा संस्कृति बनाए रखे, इस तरह के पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला है सामाजिक सोच। पाठ्यक्रम में सामाजिक सोच विशेष रूप से इंपॉर्टेंट रहती है, समाज की जो थिंकिंग है, ठीक है ना। हम देखते हैं जिस परिवेश, जिस परिस्थिति या जिस समाज की सोच अच्छी होती है, वहां के लोगों का एजुकेशनल माहौल भी अच्छा होता है, वो पढ़ लिख कर अपने आप को एक आदर्श नागरिक के तौर पर अपनी पहचान बनाते हैं। और जहाँ सोच छोटी होती है, वहां लोग कहीं ना कहीं समस्या दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सामाजिक सोच बनी रहे, सामाजिक सोच का निर्माण हो सके, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे, महत्व दे, इस तरह की सोच वाला पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए। अगला है संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता, ठीक है, जो रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, वो उपलब्ध हो, यानी कि पाठ्यक्रम निर्मित करते समय संसाधन उपलब्ध हो सके, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम जब पाठ्यक्रम निर्मित करते हैं तो हमको विभिन्नताओं का ध्यान रखना जरूरी है। जहाँ विद्यालय के अंतर्गत खेल का माहौल, या जो संबंधित जो लैब्स होती है, प्रयोगशाला होती है, या पुस्तकालय वगैरह होती है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। या हम यूँ कह सकते हैं पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित करें जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल या को करिकुलम जो एक्टिविटी होती है, इन सब बातों का समावेश होना चाहिए, ताकि बच्चा अपने जीवन में शिक्षा के साथ साथ अपने अंदर जो व्यवहारिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उसका भी व्यवहारिक विकास भी कर सके। और अगला है अंतिम दार्शनिक विचारधारा। दार्शनिक विचारधारा पाठ्यक्रम में ऐसी विचारधारा का समावेश करना जो दार्शनिक हो, जैसे आदर्शवादी, ठीक है, प्रकृति आदि, जो बच्चों के बेहतर भविष्य या बेहतर उद्देश्यों का निर्माण करने में सहायता कर सके। तो ऐसी विचारधारा जो बहुत ही आदर्शवादी है, ऐसी सोच का भी पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। तो ये हमने जाना कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसमें जो तीसरा स्तर है विषय वस्तु परिचय, उसमें छात्रों की योग्यता, समाज की आकांक्षा, अभिभावकों की आकांक्षा, राष्ट्रीय आकांक्षा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक सोच, संसाधन उपलब्धता और दार्शनिक विचारधाराओं को ध्यान रखते हुए हम विषय वस्तु का चयन करेंगे। तो ये था आज हमारा विषय वस्तु का चयन, जो थर्ड स्टेप है पाठ्यक्रम निर्माण का सोपान, इसको हमने समझा और जाना। अब इससे रिलेटेड जो आज का आपका असाइनमेंट है वो है पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में विषय वस्तु के चयन को बताइए। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में विषय वस्तु का चयन किस तरीके से किया जाता है, जो आज हमने करा, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इसको भी समय से क्रिटिकल है, हमको सावधानी रखनी, सतर्क रहनी, आवश्यक से बाहर नहीं निकलना है, जब भी निकले मुंह पर मास्क और सरकारी नियमों का कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।